हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, डेटा आ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और देखते हैं कि बाज़ार में जो डेटा है वो कैसे आए हैं, किस हिसाब से आए हैं और कैसे हमें दोस्तों यहाँ पे काम करके चलना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग अगर यहाँ पर बात करेंगे समरी की, तो यहाँ पर देखिए समरी के ऊपर जो क्लाइंट है उसने इंडेक्स फ्यूचर में जो है शॉर्ट सेल किया है, कॉल पर जो है लॉन्ग है, पुट पर लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पर शॉर्ट है। एफ ए की बात करेंगे तो फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर खरीदे हैं, कॉल खरीदे हैं, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। डीआई की बात करेंगे तो डीआई दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किया, पुटे जो है लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। तो बेसिकली प्रो और एफ ए आई यहाँ पे समथिंग जो है फिशी जो है पोजिशन बनाते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने पोजिशन स्क्वायर अप की है जो शॉर्ट वाली थी, और बाजार इवन हालांकि देखेंगे तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो गिरा ही है ना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अगर बाजार को गिरना था तो इन्होंने डेटा जो है क्यों इस हिसाब से बनाया, तो उसकी क्लियरिटी हमें मेन होल्डिंग वाले डेटा पे देखने को मिलेगी। आइए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लियर कट जो है डेटा यहाँ पर क्या निकल के आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर को एनालाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए क्लाइंट के पास 227 जो है लॉन्ग है, देन आफ्टर एफ आई के पास 174 का शॉर्ट सेल है, प्रो के पास 23,000 की सेलिंग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 59,000 का यहाँ पे जो है लॉन्ग है, देन आफ्टर एफ आई के पास 357 की कॉलें लॉन्ग है और प्रो के पास 418 की सेलिंग है। यहाँ पे इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 7 लाख के शॉर्ट सेल है, एफ आई के पास 7 लाख के जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 159 के जो है सेलिंग है। स्टॉक फीचर पे क्लाइंट के पास 22 लाख के लॉन्ग, डी आई के पास 36 लाख की सेलिंग, एफ आई के पास 9 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 4 लाख के करीब यहाँ पे लॉन्ग है। सो दोस्तों, डेटा जिस हिसाब से आया उस हिसाब से हमें काफ़ी चौकन्ना रहना होगा और बहुत ही होशियारी से काम करना होगा, बिकॉज डेटा इस हिसाब से आया कि मामला जो है यहाँ पे थोड़ा चेंज वाला भी बन सकता है। सो क्लोजली जो है वॉच कीजिएगा डेटा को, और उसके एक मतलब वहाँ पे जब आप लाइव मार्केट में रहेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्राइज एक्शन का बखूबी जो है ख्याल देना है, क्योंकि बिना प्राइज एक्शन के अगर काम करेंगे तो वहाँ पे जो है काम गड़बड़ हो सकता है, बिकॉज मार्केट के क्लोजिंग, मार्केट का डेटा, दोनों चीज़ें जो है थोड़ी सी इधर उधर जो है दिख रही है, और इसी टाइम पे जो है बड़े ट्रेडर जो है गेम करते हैं। अब आइए हम डेटा को जो है थोड़ा सा एनालाइज करें। तो सबसे पहले हम क्लाइंट के डेटा को देखेंगे, तो इनके पास देखिए 227 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, देन आफ्टर 59,000 के जो है यहाँ पर इनके पास कॉल लॉन्ग है और 729 जो है यहाँ पर इनके पास पुटो की जो है सेलिंग है। तो टोटल जो एम टी एम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 10 लाख के करीब लॉन्ग। तो इनके पास बेसिकली अभी भी जो है 10 लाख के करीब जो है इनके पास लॉन्ग जो है पोजीशन आई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफ ई आई का, तो एफ ई आई के पास देखिए यहाँ पे फ्यूचर जो है शॉर्ट सेल है 174 और कॉल जो है लॉन्ग है 357, देन आफ्टर इनके पास पुटो की जो सेलिंग लॉन्ग है वो पोजीशन है 710, यानी कि 7 लाख के करीब इनके पास पुट है। तो टोटल इनका जो एम टू एम होगा वो हो जाएगा दोस्तों 5,28,000 का सेल पोजीशन। सो प्रीवियस से तो इनका सेल पोजीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का, तो प्रो के पास देखिए 23,000 का जो है यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर सेल है, देन आफ्टर 418 का दोस्तों यहाँ पे कॉल सेल है और 159 दोस्तों यहाँ पे पुट सेल है। सो टोटल इनका जो एम टी एम हो जा रहा है वो हो जा रहा है दोस्तों 282 का शॉर्ट सेल, यानी कि 2,82,000 के करीब इनके पास सेल पोजीशन है। तो बड़े ट्रेडर अभी भी सेल में हैं, सो हमें काफ़ी कॉशियस रहना होगा। बाज़ार का कोई अगर रिवर्सल दिखाई देता है तो उस पर भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा गेम हो सकता है, और उस भ्रमित से बचने के लिए आइए हम चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल पर, जानते हैं कि कौन है इंपॉर्टेंट लेवल, ताकि बाजार को हम सही से जो है समझ पाएंगे और उसके हिसाब से अपने ट्रेड जो है प्लान कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों मूव करते हैं चार्ट पे। आइए दोस्तों चलते हैं टेक्निकल लेवल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का, तो निफ्टी का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 24,445 का है, और सपोर्ट के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पे 24,000 का जो है आपका सपोर्ट जो है बना हुआ है। अभी हम चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, और जो लेवल हमने लाइव में जो है प्लॉट किए थे उसके ऊपर देखते हैं क्या रिएक्शन हुआ है। देखिए एग्जैक्टली हमने जिस लेवल की बात की थी उस जोन पे आके बाजार ने थोड़े से होल्ड आउट किए, ऊपर जाके जस्ट नीचे जो है थ्रो बैक हो चुका है, तो वो लेवल डेफिनेटली बाजार ने होल्ड नहीं किया। लेकिन एक चीज़ आज मैंने अभी जस्ट ऑब्जर्व की है कि कैश में आज एफ आई की सेलिंग कम तो नहीं हुई है, लेकिन जस्ट लाइक पॉज दिखाई दे रहा है।
और डोजी कैंडल की हमने जो है चर्चा की थी कि डोजी कैंडल बन सकता है, और एग्जैक्टली बाजार पे डोजी कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया है वनडे के टाइम फ्रेम पे। तो ये काफी अच्छा जो है बढ़िया जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कल हमें किस लेवल के ऊपर फोकस करना होगा? सो टेक्निकली जो 24,000 है उसने होल्ड तो किया है, लेकिन एक स्मॉल टाइम फ्रेम पर रफली जो है पैटर्न भी बना के गया, वो हेड एंड शोल्डर है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो की काफी अहम हो जाता है। हो सकता है कि बाजार इसको देख रहा होगा और बाजार इस पे रिएक्शन लेने की कोशिश करेगा। हमें वेट करना है इस स्टॉप लॉस के पास होने का, यानी कि 24,200 के ऊपर बाजार को निकलने का वेट करना है। अगर ये लेवल निकलेगा तो हम यहाँ से लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। कल तक के लिए हम लोग फिर से सेलिंग को पॉज करेंगे, क्योंकि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जिस तरीके से रिबाउंड किया है, हाँ अगर कल कुछ कन्फर्मेशन होती है सेलिंग की तो हम लाइव में जो है इसको कन्फर्म कर लेंगे देख के, लेकिन अभी तक के हिसाब से अपना प्लान यही रहेगा कि 24,200 अगर निकालने लगा तो हम यहाँ से बाई प्लान लेके चलेंगे, क्योंकि कैश में सेलिंग उनकी सिर्फ और सिर्फ 2000 CR की आई है। हालांकि कभी कभी बीच में पॉज करके बाद में ट्रिगर दबा देते हैं, लेकिन क्लोजली हम लोग इसको इसीलिए प्राइस एक्शन के साथ ऑब्जर्व करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हॉल्ट करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 52,265 का है, सपोर्ट 51,345 का है। बैंक निफ्टी ने कंपेयर टू निफ्टी अच्छी क्लोजिंग दी है, क्योंकि स्टार्टिंग में वीक भी बैंक निफ्टी ज़्यादा थी और क्लोजिंग भी अगर उसके मुकाबले देखेंगे तो अच्छी आई है। ये जो लेवल था 52,000, यहाँ पे रिजेक्शन आना ही था, बिकॉज 52,000 क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया था और इसको वन टाइम में बाजार निकाल नहीं पाता। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक पैटर्न भी बाजार ने बनाने की कोशिश की है, रफली है INHS है, ठीक है। तो जो INHS बना है, अगर ये 52,000 दोबारा जो है बाजार इसको क्लियर करने लगा तो ये यहाँ से इसका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद इमीडिएटली 52,500 पे एक रेजिस्टेंस होगा, और 52,500 अगर निकल गया तो थोड़े से जो है यहाँ पे आसार अच्छे बनते हुए नज़र आएंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें क्लोजली इसको ऑब्जर्व करना होगा इस लेवल को कि क्या यहाँ पे बाजार जो है गुल खिला रहा है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी के ऊपर। तो फाइनेंस निफ्टी में देखिए जो रेजिस्टेंस है वो 24,250 का है और सपोर्ट 23,695 का है। फाइनेंस निफ्टी ने भी सिमिलर लाइक का बैंक निफ्टी ही काम किया है। बहुत एरिया जो है ये अहम है, बहुत अहम है, ठीक है। 23,900 अगर 23,900 बाजार होल्ड आउट करेगा तो यहाँ से रिबाउंड ले सकता है, तो हम यहाँ से एक रिस्की बाई प्लान कर सकते हैं। अगर 23,900 ब्रेक करके प्रॉपर होल्ड करने लगा फिर हमें गिव अप करना पड़ेगा, और इसकी एक्सपायरी है, थोड़े से इसके मोमेंट सार पा सकते हैं, तो होशियारी बरतनी होगी, क्वांटिटी को उस हिसाब से जो है मैनेज करना होगा, क्योंकि बाजार अभी उसी हिसाब से जो है यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मिड कैप निफ्टी की। तो मिड कैप निफ्टी देखिए क्लोजिंग तो ठीक ठाक कह सकते हैं कि की है, लेकिन एक्सपायरी मज़ेदार नहीं रही, क्योंकि सपोर्ट को उसने निभा दिया जो 12,481 का है, और अगर इसने सपोर्ट को निभाया है तो कल अगर इसको भी निकाल दे तो ये भी जो है थोड़ा सा काबिल तारीफ हो जाएगा, जो कि लेवल है 12,540। जब तक 12,540 नहीं निकलेगा बाई जो है यहाँ पे रिस्की होगा, और यहाँ पे जो है बाई हम प्लान नहीं करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ड्राई वॉल्यूम के साथ गिरा है तो कभी कभी ट्रिगर आउट हो जाता है स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स देखिए काफ़ी म्यूटेड जो है काम किया है क्लोजिंग बेसिस पे, अपसाइड लॉन्ग साइड दोनों साइड जो है मोमेंट किया है, अपसाइड डाउन साइड, और यहाँ पे जो है बीच में आके क्लोजिंग दी है एक सॉलिड सी रेड कैंडल के साथ, और जहाँ पे क्लोजिंग हुई है वो खुद का एक बहुत बढ़िया जो है बाजार के सपोर्ट जो है यहाँ पे बने हुए हैं, और वो लेवल है दोस्तों 79,285.75 का। तो कल अगर इस जोन के नीचे प्रॉपरली सस्टेन करना शुरू करेगा तो ये थोड़ा फिसल सकता है, अदरवाइज फिर इसको यहीं से रिकवरी लेनी होगी, और उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा। आईटी सेक्टर का सपोर्ट है, और भी कई सारे सेक्टर हैं जिनका सपोर्ट अगर मिल जाए तो यहाँ पे जो है कवायद हो सकती है कि यस दिस इज ओके नाउ। सेंसेक्स के बाद दोस्तों हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे। तो देखिए इन्फोसिस ने आज अपने उस लाइन को टच किया है जिसके आइदर साइड जो है कन्फर्मेशन देने के चांसेस बने हुए हैं, और वो लेवल है दोस्तों 1880 का, उसी के आसपास क्लोज दिया। तो कल अगर इन्फोसिस 1880 के ऊपर आ जाएगा तो एक मूव दिखाई दे सकता है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोगों के शॉर्ट के स्टॉप लॉस लगे होंगे, वो ट्रिगर आउट होंगे। EFC जिसकी चर्चा हम लोगों ने आज के लाइव सेशन में की थी जब ये 4-5% स्ट्रांग था, 7% की आज तेजी क्लोजिंग बेसिस पे गई है, हालांकि 8-8.5% दिन में गया था ये तेज।
तो कल अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा 479 के ऊपर, 481 के ऊपर, तो फिर से एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। सो इस स्टॉक के ऊपर नजर रख के चलिएगा, काफी अच्छी जो है तेजी इसमें देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चैन की, जहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी का डेटा। तो निफ्टी का डेटा टर्निंग टू पॉजिटिव है, अगर बाजार को सपोर्ट मिला तो डेटा जो है पॉजिटिव हो सकता है। 46 लाख के करीब कॉल सेलर हैं, 33 लाख के करीब जो है पुट सेलर हैं, तो एक बाउंस जो है देखने को मिल सकता है, बाउंस जो है आना चाहिए। अगर हम जाके बिल्कुल एटीएम पे देखें तो यहाँ पे 24,200 पे अच्छी खासी राइटिंग है, जहाँ पे 2 लाख के कॉल सेलर हैं। और पुट सेलर के तौर पे देखेंगे तो पुट सेलर के तौर पे हमें 24,100 का एरिया ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, बड़े लेवल 24,000 पे हैं। तो 24,200 अगर निकालेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग बन जाएगी 100 पॉइंट की, तो ये आप लोग ध्यान देके चलिएगा, यही मेक एंड ब्रेक लेवल है। हालांकि डेटा टर्न टू पॉजिटिव होने की कोशिश में है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसका डेटा कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि रिकवरी इसने अच्छी खासी दिखाई है। 32 लाख के कॉल सेलर हैं एंड 26 लाख के पुट सेलर हैं, सो डेटा ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो चुका है। कल फाइनेंस निफ्टी एक्सपायरी होपफुली एक अच्छा मूव देना चाहिए अपर साइड में। अगर कोई भी डीप मूव आता है तो कोशिश कीजिएगा कि जब रिवर्स मारे तो एक कॉन्ट्रा जो है बेट लगाने की कोशिश कीजिएगा, रिस्की होगा लेकिन ज़्यादा गेन मिल सकते हैं। 52,000 पे देखिए अच्छे खासे सेलर हैं 147 के, और यहीं पे पुट सेलर भी है 70,000 के। देन आफ्टर 51,600 पे जो है अच्छे खासे पुट सेलर हैं जो कि 1 लाख के करीब है। तो 51,600 अगर होल्ड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 51,600-500 सपोर्ट एरिया है, यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो कोई अगर डिक्लाइन ओवर आता है तो वहाँ पर हम लोग एक कवायद कर सकते हैं वहाँ पे देखते हुए अपने लॉन्ग्स की। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। फर्स्ट टाइम आया था तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िएगा, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा @NiftyYD सर्च करके, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो नेक्स्ट जो अपकमिंग वेबिनार है जो कि दिसंबर में 7 दिसंबर से प्लान है, उसको आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।